बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त बैतुल सलाम फिर ट्रस्ट की टीम के साथ हम यहाँ पर आए हुए हैं। यहाँ पर तंदूर लगा हुआ है बंस रोड के इलाके में। यहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह कोई 15,000 रोटियाँ रोजाना जा रही हैं 3,000 फैमिलीज को। बैतुल सलाम के तहत कोई 12 से 14 तंदूर इस वक्त लगा दिए जा चुके हैं और प्लान ये इंशाल्लाह अगले दिनों में इसको 20 से 25 की तादाद ले जानी है। में भी है, मीरपुर खास में भी है, इंटीरियर में भी है। टोटल जो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन है जो आदाद और शुमार थे उसके मुताबिक 40,000 से तजावज कर चुकी है और इंशाल्लाह अगले दिनों में ये तादाद 1,00,000 तक इंशाल्लाह ले जाने का इरादा है। ये रोटियां यहाँ बनती हैं, यहाँ से फिर मुख्तलिफ इलाकों में हमारी वॉलंटियर टीम जाती है, यहाँ से लोड होकर वहाँ पर जाती है, वहाँ पर जाके घर घर जाके डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। लोगों की इस वक्त जो तकलीफ है वो अपने पेट की तकलीफ है और यहाँ बैतुल सलाम की टीम, उनकी वॉलंटियर की टीम दूसरों की फिक्र करते हुए सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए निकली हुई है कि जाए, लोगों तक उनकी ज़रूरियात पहुँचाए, लोगों तक उनका राशन पहुँचाए, मेडिकल सप्लाईज हो, राशन हो या तंदूर की सूरत में रोटियाँ हों, वो बैतुल सलाम की टीम अल्हम्दुलिल्लाह जा रही है। हम बैतुल सलाम ट्रस्ट कराची के जिम्मेदारान के बेहद मशकूर हैं कि हमारे पसमानदा इलाके मच्छर कॉलोनी के अंदर पकी पकाई रोटी मुस्तहकीन तक पहुँचाने की इन्होंने तरतीब बनाई है। हर घर में अफराद की तरतीब से पकी पकाई रोटी एक वक्त की पहुँचाई जा रही है।